मुझे लगता है कि जो आजमगढ़ की जनता है, आजमगढ़ की जनता ने 22 में भी बताया था कि हमको हमारे बीच रहने वाला, हमारे साथ काम करने वाला चाहिए, और इसलिए 22 में हमको मौका मिला था यहाँ और जनता ने चुना था, क्योंकि 19 में हारने के बाद भी मैं लगातार आजमगढ़ में ही रहा, आजमगढ़ के लोगों के लिए काम करता रहा, उनकी बात सुनता रहा, उनकी तकलीफ को महाराज जी तक, प्रधानमंत्री तक, जिस विभाग का जो भी काम था मैं करता रहा 19 में हारने के बाद भी। लेकिन 22 में हारने के बाद धर्मेंद्र जी आजमगढ़ में कई दिन दिखे हैं, ये भी आप लोग जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो दोबारा प्रत्याशी बन के अगर वो आए भी हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा हुआ होता कि वो आजमगढ़ के किसी कार्यकर्ता को अगर प्रत्याशी बनाए होते, कोई नहीं मिल रहा था उनको तो विजय लाल यादव को बना दिए होते, मेरे बड़े भाई को बना दिए होते यहाँ प्रत्याशी, क्योंकि उनकी ही पार्टी में है, तो भी लड़ाई हो गई होती। लेकिन ये तो आपने वही कर दिया कि आप जीत के नहीं आए और वो हार के नहीं आए, तो फिर लड़ने के लिए सिर्फ यहाँ आएंगे तो आजमगढ़ की जनता बिल्कुल इसको नहीं स्वीकार करेगी। और आजमगढ़ की जनता ने देखा है, एक साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से यहाँ काम किया है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, तो उसी के दम पे हम लोग जनता के बीच में बने भी रहे और जनता के बीच में आगे भी बने रहेंगे। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हमने जो एक साल में किया, डेढ़ साल में किया, 5 साल जब मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि पूरा आजमगढ़ जो है एक अलग ऊंचाई पे पहुंचेगा। आजमगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनेगा, आजमगढ़ में हमारा जो तमसा नदी रिवर फ्रंट है वो भी बनेगा, आजमगढ़ में जो हमारा भैरव बाबा कॉरिडोर है वो भी बनेगा। जितना हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मांग रखा, उन्होंने कहा ये सब होगा, आजमगढ़ की जनता सहयोग करेगी और निश्चित रूप से होगा। तो मुझे तो आजमगढ़ की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक डेढ़ साल का मौका दिया था और हम लोगों ने खूब काम कराया यहाँ पे, अब हमें आगे 5 साल मौका दीजिए और बढ़िया से हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे जो जनता हमारे साथ में है, जो हमारा काम देखी है, प्रधानमंत्री जी का काम देखी है, मुख्यमंत्री जी का काम देखी है, उस काम के दम पे ही हम लोग जनता के बीच में जाते हैं और उनसे बात भी करते हैं और जनता भी कहती है कि हाँ काम हुआ है और हमको ऐसा ही सांसद चाहिए था जो हमारे साथ रहे, हमारे बीच रहे और हमारे साथ रह के काम करे। और वो जब आप कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, तो आजमगढ़ की जनता भी हम लोग के साथ है।